नमस्कार दोस्तों, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नगर पाठक के निर्देश में चौका बैंक पेट्रोल पंप पर लूट की घटना को अंजाम देने वाले चोरों को कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश चौबे के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। अभियुक्त विष्णु पुत्र पप्पू निवासी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, राजीव पुत्र विश्वदेव पुत्र पप्पू निवासी टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, लखन पुत्र हल्कू निवासी हनुमान मंदिर बीना रोड खुरई जिला सागर मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। वहीं फरार अभियुक्त बाबू राम पुत्र सागर मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। वहीं फरार अभियुक्त बाबू राम पुत्र प्रेम कटर निवासी चनोरिया सदाली सागर मध्य प्रदेश, पुत्र महेश निवासी कंचन तहसील के पीछे थाना महरौनी जनपद ललितपुर को गिरफ्तार किया। में पेट्रोल पंप है, वहां पर ये छह लोग थे जो कि उस समय अज्ञात थे। ये आए और इन्होंने पेट्रोल पंप भराने के लिए कहा, जिस पर पेट्रोल पंप के जो सेल्समैन थे उन्होंने मना किया कि अभी पेट्रोल पंप हम आपको नहीं देंगे। और जब उन्होंने जिद की तो उन्होंने कहा कि पहले आप पैसे दीजिए। इस बात पे उन लोगों की पहले विवाद हुआ, मारपीट हुई। इसके बाद वहाँ से ये कुछ पैसा उन्होंने अपना कैश गायब बताया। जब सुबह उन्होंने कैश चेक किया, घटना के बाद से ही जब पुलिस को सूचना इसकी मिली, 112 पे पहले सूचना दी गई, बाद में सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इन लोगों ने कोतवाली में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके बाद से पुलिस एक्टिव हो गई और इनके लिए लगातार धरपकड़ जारी थी। एसओजी टीम, कोतवाली टीम, थाना महरौनी, सीओ महरौनी और सभी के संयुक्त प्रयास से हम लोग ने दबिश डाली। एसओजी टीम ने सागर, गुना, टीकमगढ़, यहाँ तक कि अशोकनगर तक लगातार दबिश डालते रहे हम लोग, और हमें आज सफलता मिली। सुबह हमें इनकी गाड़ी तो बरामद हो गई थी, ये लोग नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन आज सुबह फिर खास की सूचना पे ये सूचना मिली कि ये राजघाट से अपने परिवारजनों से मिलना के लिए आ रहे हैं। और मुखबिर खास के सूचना पर पुलिस सतर्क थी, एसओजी टीम सतर्क थी और एसओजी टीम ने इन्हें संगम फाटक के पास से पकड़ा। इस धरपकड़ के दौरान दो जो मुलजिम थे जिनका नाम बाबू राम पुत्र प्रेम कटार है और सरमन पुत्र महेश है, ये मौके से फरार हो गए। जबकि विष्णु पुत्र पप्पू, शिवराज पुत्र पप्पू, विश्वदेव पुत्र पप्पू और लखन पुत्र हल्कू, ये सभी टीकमगढ़ जिले के हैं। इनमें से लखन जिला सागर का है। ये चार लोग हमारी गिरफ्त में हैं। मारपीट की घटना तो थी, साथ में इन्होंने कैश भी